हेलो दोस्तों नमस्ते लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ दोस्तों एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है एक गुड न्यूज़ है और ये न्यूज़ है उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका वीज़ा अबू धाबी इशू हुआ है तो दोस्तों आज से आज सुबह से मतलब आज ट्वेंटी सेवन नवंबर सत्ताईस नवंबर तो आज से फ़्लाई दुबई बिना अप्रूवल मतलब बिना रेड सिग्नल से लेकर आ ले रहा है दुबई मतलब जिनका वीजा स्पेशली अबू धाबी एलायंस इशू है वो लोग अभी फ़्लाई दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं बिना ग्रीन सिग्नल से ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है दोस्तों बहुत दिनों से सब लोग वेट कर रहा था इसके लिए तो आज आ, मैं कल किया था फ्लाई दुबई का कस्टमर केयर नंबर है जो इंडिया, इंडिया का नंबर है तो उन्होंने कहा कि आज सुबह से ये स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाए और मतलब अभी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल सब जितने सारे कंट्री हैं वहाँ से लोग आ सकते हैं फ्लाई दुबई में जिनका भी जैसे स्पेशली अबू धाबी अलायंस इशू है वो लोग बिना ग्रीन सिग्नल से ही आ सकते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए अबू धाबी अलाइन अरलाइन रसल के मल्कम अजवान फुजीरा आ, तो वहाँ से अगर आपका वीज़ा इशू हुआ है तो आप फ़्लाइट दुबई में आ सकते हैं फ़्लाइट दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट ग्रीन सिग्नल बिना ग्रीन सिग्नल से आप आ सकते हैं लेकिन जिनका वीज़ा दुबई से इशू हुआ है आ, उनके लिए जो न्यूज़ है उन उनके लिए जी डी के अप्रूवल चाहिए बिना जी के अप्रूवल आप फ़्लाई दुबई में ट्रैवल नहीं कर सकते लेकिन आपके लिए भी रास्ता खुला है दोस्तों आप एयर अरबिया में ट्रैवल कर सकते हैं आप साह जहा एयरपोर्ट लैंड कर जिनका वीज़ा स्पेशली दुबई से इशू है वो लोग साहज एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं और एयर अरबिया में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल आप आ सकते हैं दोस्तों आ, दोस्तों आप इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करें आ, क्योंकि बहुत सारा लोग इस मतलब इसके लिए वेट कर रहा था बहुत दिनों से जिनका वीजा स्पेशली अबू धाबी और एल इशू है तो वो लोग अभी फ्लाई दुआई में ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि देखिए फ्लाई दुआई ने कहा है कितना दिन ये ऑफ़र देंगे इसके बारे में तो पता नहीं है जानकारी नहीं है लेकिन आ, जब तक ये ऑफ़र फ्लाई दवाई देंगे तब तक आप इसका मतलब इसका फ़ायदा उठाए आप और एक बात है दोस्तों आप अगर अपना अपना कंट्री में है और अपना अपने नया पासपोर्ट बनवाए हैं तो उसका भी ए अपडेट करना होगा मतलब आपका पासपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन वो यू ही में होना चाहिए नहीं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा तो ये काम कर सकते हैं आपका अरबाब आपका पी कंपनी का पी आर वो और जो आपका जो नया पासपोर्ट उसका कॉपी लेकर जाएंगे यू इमिग्रेशन इमीग्रेशन मतलब आई सी एम के डिपार्टमेंट होता है यू इमिग्रेशन वहाँ जाके वो ये अपडेट कर सकते हैं तो वो अपडेट करने के बाद ही आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा बोर्डिंग पास मिलेगा तो ये सिर्फ उनके लिए जिनका जिन्होंने अपना अपना कंट्री में नया पासपोर्ट बनवाया है और जिन जिनका पासपोर्ट पुराना है वो उनके लिए ये नहीं है तो दोस्तों मैं और एक बात दोहराता हूँ आ, जिनका वीज़ा दुबई छोड़ के अबूदाबी अलायंस हाजा रसैल के अमल के मार्जा भुजरा से इशू हुआ है तो वो बिना ग्रीन सिग्नल से यार और फ़्लाई दुबई में वो ट्रेवल कर सकते हैं मतलब फ़्लाई दुबई अभी बिना अप्रूवल से आपको लेकर आएंगे दुबई एयरपोर्ट और जिनका वीज़ा दुबई इशू हुआ है तो वो अगर फ्लाई ओवर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो जी डी आर ए के अप्रूवल चाहिए लेकिन आपके लिए भी रास्ता खुला है आप एयर अरविया में ट्रेवल कर सकते हैं और सज एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं दोस्तों इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत अच्छा न्यूज़ है गुड न्यूज़ है और आ, स्क्रीन के ऊपर दोस्तों एक फ्लाई दुबई का कस्टमर केयर नंबर सूचित हो रहा है तो वो नंबर लेके आप खुद कॉल कर सकते हैं फ्लाई दुबई में जो लोग इंडिया से आना चाहते हैं तो ये इंडिया का नंबर ऊपर सूचित हो रहा है तो आप खुद फ्लाई दुबई का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप कन्फर्म हो सकते हैं इसके बारे में और पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आप आ, अपना अपना कंट्री का ज फ्लाई दुबई का कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप कन्फर्म हो सकते हैं लेकिन ये न्यूज़ कन्फर्म है दोस्तों बस इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर करें आपकी एक शयर से बहुत ज़्यादा लोग को हेल्प हो सकता है आ, बस आज के लिए दोस्ती इतना ही का भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्होंने थैंक यू सो मच